दोस्तों, क्या आपके धनिया की फसल में लहंगिया रोग लगा हुआ है? तो इसे लहंगिया रोग के लक्षण क्या है, इसको कैसे पहचानें और इसे रोग की रोकथाम कैसे करें, ये सब कुछ जानेंगे आप विस्तार से इस वीडियो में। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त दीपक कुमार। दोस्तों, बता दें कि हमारे देश में उगाई जाने वाले बीजीय मसालों में धनिया का प्रमुख स्थान रहा है। हर देश में धनिया सब्जी में मसाले के रूप में इस्तेमाल तो किया ही जाता है, साथ ही इसके कई सारे औषधीय उपयोग भी हैं। यदि हम औषधीय उपयोग में जाएं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम बात करेंगे लहंगिया रोग के लक्षण और उसकी रोकथाम की। तो दोस्तों, सर्वप्रथम धनिया में लहंगिया रोग के लक्षण तने के उस भाग पर दिखाई देते हैं जो जमीन से सटा हुआ है। प्रारंभिक अवस्था में तने पर रंगहीन या फल के पारदर्शी चमकीले फफोले दिखाई देते हैं। उपरोक्त फफोले पौधे की बढ़वार के साथ पौधे के सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। रोग की उग्र अवस्था में तना इतना अधिक लंबा होकर एंट एवं मुड़ जाता है। इसी के साथ ही फूल में धनिया के दानों की जगह पर लौंग के आकार की आकृति बन जाती है, जो कि इसके महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। मौसम के अनुकूल परिस्थितियों में रोग ग्रसित पौधे के ऊपर फफूंद की वृद्धि हो जाती है एवं पौधा सूखना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों, ये इसके लक्षण होते हैं लहंगिया रोग के, जो कि आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब बात करें धनिया में लहंगिया रोग की रोकथाम कैसे करें। तो दोस्तों, हम देसी तरीके से बात करें तो सबसे पहले बुआई से पहले अगर फसल आपकी रोग ग्रस्त है पहले ही ऑलरेडी कोई दूसरी, तो फसल काटने के बाद खेत में बचे हुए अवशेषों को एक जगह इकट्ठा करके या तो जला दें या फिर गहरा गड्ढा करके जमीन में गाड़ दें, जिससे उसका खाद बन जाएगा और रोग भी नष्ट हो जाएगा। फिर आप कोई दूसरी फसल उस पर लगाएंगे उगाएंगे तो उसमें रोग कम आएंगे और पुरानी फसल के जो भी रोग वायरस थे वो इस फसल में नहीं आएंगे। रोग ग्रस्त फसल को काटने के बाद गर्मी में खेत में हल्का पानी देकर सिंचाई कर दें। इसके बाद गहरी जुताई करके मिट्टी को धूप में तपने के लिए छोड़ दें, तो इससे भी उस मिट्टी में जो भी वायरस हैं, जो फसल में वायरस रोग लगे थे, वो भी नष्ट हो जाएंगे। इसी के साथ ही दोस्तों, खेत में कभी भी पानी का भराव या जमाव नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो खाली खेत में उसे समतल कर लेना चाहिए खेत को, और खेत को साफ सुथरा रखना चाहिए। यदि आपकी फसल में खरपतवार अधिक है तो भी फसल में रोग जो वायरस आते हैं वो भी लगने की संभावना अधिक रहती है। फिर इसके बाद क्या करें कि लास्ट में जब आपके बीज बुआई की समय आ गई है या तिथि आ गई है, तो उस समय रोग रोधी किस्मों का प्रमाणित बीज की बुआई के काम में लेना चाहिए। अर्थात रोग रोधी किस्मों का चुनाव करें और जो प्रमाणित बीज हैं उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल सुरक्षित बनी रहेगी। अब दोस्तों, ये सभी काम आई होप कि आपने कर लिए होंगे या फिर करने वाले होंगे या फिर आपने नहीं किए होंगे। इन तीनों स्थिति के बाद लास्ट में यदि फसल में रोग लग गया है लहंगिया रोग, तो क्या करेंगे। धनिया में लहंगिया रोग की रोकथाम के लिए बुआई से पूर्व आप बीज के लिए उपचारित कर लें। बीज को उपचारित कैसे करेंगे, हेक्सोकोनोल जल या प्रोपीकोनोजोल नामक दवाई से 2 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज दर के हिसाब से उपचारित कर लें, या फिर ये दवा ना मिले तो फिर आप कार्बन डाइजीन 7 ग्राम प्लस थायरम 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके यदि बुआई करेंगे तो ये धनिया की फसल में लहंगिया रोग नहीं आएगा। और यदि मान लीजिए कि रोग आ गया है तो फिर आप कार्बन डाइजीन या फिर थायरम का भी छिड़काव कर देंगे तो भी फसल पूर्ण रूप से सुरक्षित बनी रहेगी और इस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको लगता है कि वाकई में जानकारी काम की साबित हुई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और अभी तक आपने स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो जल्द से जल्द करें ताकि देख पाएं आप इसी तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ में घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो का आपका छूट ना पाए। मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की और भी हेल्पफुल जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।